नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यार एक और नई वीडियो में। दोस्तों देखो यार, पहले मैच में तो शिखर धवन ने बहुत बढ़िया पारी खेली थी, लेकिन दोस्तों संजू सैमसन का चौका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए दोस्तों टीम इंडिया मैच जीत करा रही है 3 रन से। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे वेस्ट इंडीज और भारत के बीच में होने वाले सेकंड ओडीआई मैच की प्रेडिक्शन के बारे में, जो भारतीय समय अनुसार शाम को 7 बजे से स्टार्ट होगा। दोस्तों यह मैच पार्ट ऑफ स्पेन, यानी कि दोस्तों जो पिछला मैच खेला गया था उसी स्टेडियम में 24 जुलाई 2022 को खेला जाएगा। इस वीडियो में हम स्टेडियम, पिच रिपोर्ट, वेदर, हेड टू हेड और खिलाड़ियों के प्रदर्शन से इन दोनों टीमों का कंपैरिजन करेंगे। साथ ही में दोस्तों मैं मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन भी आपको बताऊंगा और एक फैंटेसी टीम भी आपको दूंगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के बारे में। तो पहले बात करते हैं वेस्ट इंडीज के बारे में। ये अपना लास्ट मैच हार कर आ रहे हैं और इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 टीम आईओ ब्रेडन किंग, समर ब्रुक्स, काइल मेरिस, निकोलस पुरन, रोमेन पाउल इनके बैट्समैन है, अकील हुसैन, रोमेरिया सैफर्ड इनके ऑलराउंडर प्लेयर, अल्जारी जोसेफ, गुडकोरी मोती, जैसन शील्स इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूत स्थिति में है। अगर बात करें इनके लास्ट मैच परफॉर्मेंस के बारे में, ब्रेडन किंग ने 69 रन बनाए थे, साथ में दोस्तों समर ब्रुक्स ने भी शानदार पारी खेली थी 46 रन की, और दोस्तों कोयल मेरुइस ने भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, 75 रन बनाए थे, और दोस्तों अल्जारी जोसेफ का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा देखने को मिला था, 2 विकेट निकाले थे। बात करते हैं इनके अपोनेंट टीम भारत के बारे में। दोस्तों अपना लास्ट मैच जीत कर आ रहे हैं और इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 टीम शिखर धवन, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, दीपक हुड्डा इनके बैट्समैन, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर इनके ऑलराउंडर प्लेयर, मोहम्मद सिराज, यजवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्णा इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों अगर बात करें इनके लास्ट मैच परफॉर्मेंस के बाद, शिखर धवन ने 97 रन बनाए थे, जबकि दोस्तों शुभमन गिल ने 64 रन की पारी खेली थी, और दोस्तों श्रेयस अय्यर ने भी 54 रन बनाए थे। साथ में दोस्तों शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज और यजवेंद्र चहल तीनों बॉलरों ने दोस्तों बढ़िया बॉलिंग की थी, दोस्तों 2-2 विकेट निकाले थे। और दोस्तों अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में टोटल ओवरऑल 136 मैच खेले गए, जिनमें से दोस्तों वेस्ट इंडीज ने 67 मैचों में जीत दर्ज की, जबकि दोस्तों टीम इंडिया ने 63 मैच जीते हैं। और दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में 6 मैच टाई भी रहे हैं। वेस्ट इंडीज अपने खेले गए लास्ट 5 मैचों में से 5 के 5 मैच ये हार करा रहे हैं, जबकि दोस्तों इंडिया अपने खेले गए लास्ट 5 मैचों में से 4 मैचों में जीत करा रहे हैं और यार 1 मैच में ये हार करा रहे हैं। देखो यार, यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि दोस्तों वहीं पर मैं आपको ठोस प्रेडिक्शन देता हूँ। दोस्तों ये मैच किंग्स पार्क का स्टेडियम पार्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर पिछला मैच खेला गया था, और दोस्तों यहाँ का ग्राउंड बहुत छोटा है, यहाँ पर 62×70 मीटर की बाउंड्री, और दोस्तों यहाँ पर अभी तक टोटल ओवरऑल 66 मैच खेले गए, जिनमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 31 मैचों में जीत दर्ज की, जबकि यार बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने यहाँ पर 34 मैच जीते हैं और यहाँ पर एक भी मैच टाई नहीं हुआ। यहाँ का एवरेज स्कोर 223 रन का है, जबकि यहाँ का हाईएस्ट स्कोर 413 रन पर 5 विकेट का है, और यार यहाँ का लोएस्ट स्कोर 51 रन पर 10 विकेट का है। दोस्तों यहाँ का स्कोर पैटर्न है 200 के नीचे 22 बार, 200 से 250 के बीच में 17 बार, 250 से 299 के बीच में यहाँ पर 17 बार स्कोर रहा है, जबकि दोस्तों 300+ भी यहाँ पर 9 बार स्कोर गया है। और दोस्तों देखो यार, पिछली वीडियो में मैंने आपको इस स्टेडियम के बारे में पूरी डिटेल्स दे दी थी, इसलिए दोस्तों मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता और दोस्तों वीडियो बड़ी नहीं बनाना चाहता, इसलिए दोस्तों वहाँ पर मैंने आपको पूरी डिटेल्स दे रखी है। और दोस्तों आपने वो वीडियो देख रखी है तो वही स्टेडियम है सेमी, तो दोस्तों आपकी फैंटेसी टीम में बस उसी स्टेडियम के अनुसार आपको आपकी टीम चुननी है, क्योंकि दोस्तों सेम वही पिच रहने वाली है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजों को बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। और दोस्तों देखो यार, फैंटेसी टीम मेरे से लेना चाहते हो तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर मैं आपको क्रिकेट से रिलेटेड प्रत्येक अपडेट देता रहता हूं। साथ ही में दोस्तों कभी हमारी मैच प्रेडिक्शन चेंज करनी पड़ती है तो हम टेलीग्राम चैनल पर ही बताते हैं, तो दोस्तों अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लेना। दोस्तों बात करते हैं यार मैच प्रेडिक्शन के बारे में। दोस्तों आपको पता है यार, इन दोनों टीमों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, दोनों ही टीमें काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं, लेकिन यार अगर गूगल की प्रेडिक्शन को देखा जाए तो गूगल की प्रेडिक्शन के अनुसार 40% इस मैच को वेस्ट इंडीज जीत सकती है, जबकि दोस्तों टीम इंडिया इस मैच को 60% जीत सकती है। लेकिन यार अगर बात की जाए मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के बारे में, दोस्तों मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के अनुसार इस मैच को टीम इंडिया ही जीत सकती है। दोस्तों आप आपकी पर्सनल प्रेडिक्शन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और दोस्तों आपको पता है यार क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। साथ में दोस्तों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लेना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपसे मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।